जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रगुन विजयपथ एकेडमी की तरफ से आपको आज जीके पढ़ाने जा रहा हूं। और जीके में आज मेरा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान मींस नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो आज हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जम्मू से, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम हिमाचल में, हिमाचल के बाद हम हरियाणा में, और हरियाणा के बाद हम उत्तराखंड में। ठीक है, अगर पार्क्स तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन जो मैं पार्क्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको ट्रिक्स के साथ। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह मेरी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ 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 वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक नेशनल पार्क्स। तो जम्मू से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जम्मू कि हेमू ने सलीम को किस्तों में डिच किया। ठीक है, तो जम्मू में हमारे आते हैं चार पार्क्स, कौन कौन से, हेमिस नेशनल पार्क, दूसरा हमारा आता है सलीम अली नेशनल पार्क, तीसरा हमारा आता है किस्तवाड़ा नेशनल पार्क, और चौथा आता है डचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि जम्मू की हेमू ने सलीम को किस्तों में डिच किया। ठीक है, जम्मू की बात हो रही है, जम्मू आ गया कि हेमू ने। ठीक है, की को हम काट देंगे। ठीक है, की काट दिया, हेमू से हमारा आ गया हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है, नै को हम काट देंगे, नै को नहीं लेंगे। उसके बाद आ गया हमारा सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, अब को भी छोड़ देंगे। अब आ गया किस्तों से हम ले लेंगे किस्तवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, अब बचता चौथा हमारा, तो हम मै को काट देंगे। उसके बाद चौथा हमारा आ गया डचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, जम्मू की हेमू ने सलीम को किस्तों में डिच किया। जम्मू में मैंने आपको बताया चार पार्क, चार कौन कौन से, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किस्तवाड़ा नेशनल पार्क और डचिगम नेशनल पार्क। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो आराम से देख सको। जी देखिए, अब दूसरी बात मैं कर रहा था हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो हिमाचल, ठीक है, हिमाचल में हमारे पांच नेशनल पार्क हैं। पांच कौन कौन से, हमारे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, दूसरा आप दो हो गए, तीसरा आपका इंद्रकिला नेशनल पार्क, ठीक है, चौथा आपका आ गया खीरगंगा नेशनल पार्क, और पांचवा आपका आ गया सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिम्बा और इंद्र ग्रेट हिमालयन के पिन पर बैठ के खीर खाएंगे। ठीक है, कहाँ पे बैठ के खाएंगे, ग्रेट हिमालयन के पिन पर, मतलब उसकी चोटी पर खाएंगे। तो अब सिम्बा से हमारा कौन सा नेशनल पार्क आता है, सिंबलवाड़ा। ठीक है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, और ये हिमाचल के कौन से स्थान पर, सिरमौर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम और को छोड़ देंगे, उसके बाद इंदर पे आ जाएंगे सीधा। इंदर से हमारा आ गया इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। ठीक है, अब अभी सभी प्यारे दोस्तों को पता होगा कि हिमाचल में एक फेमस है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय से आपका आ गया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है प्यारे दोस्तों, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, आपका कुल्लू में। ठीक है, और पिन से आपका आ गया पिन घाटी नेशनल पार्क, और पिन घाटी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, अब पर भी काट देंगे, बैठ भी काट देंगे। ठीक है, अब आ गया हमारा खीर से हमारा कौन सा पार्क आता है, खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये कुल्लू में है। ठीक है, हमारा
एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये तीन पार्क जो है ये हमारे कुल्लू में है, और ये पिन घाटी नेशनल पार्क हमारा लाहौल स्पीति में, और सिंबल वाला नेशनल पार्क हमारा सिरमौर में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, सिम्बा और इंद्र ग्रेट हिमालयन के पिन पर बैठ कर खीर खाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि कहाँ पे बैठ के खाएंगे, ग्रेट हिमालयन में बैठ के खाएंगे, और क्या खाएंगे, खीर खाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए जी प्यारे दोस्तों, अब हमारी दो स्टेट्स होगी, जम्मू और हिमाचल प्रदेश। अब तीसरी आती है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के लिए क्या ट्रिक है, उत्तराखंड के राजा नंदा देवी का बेटा गंगोत्री वाले फ्लावर्स लेने गया। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, उत्तराखंड के राजा नंदा देवी का बेटा गंगोत्री वाले फ्लावर्स लेने गया। ठीक है, तो क्या उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन से पार्क हैं, पांच नेशनल पार्क हैं, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और फ्लावर्स वैली। ठीक है, जिसे हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड से मैंने कौन कौन से बताए आपको, एक आ गया आपका राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, अगला आपका आ गया नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, अब कहाँ से हमारा आ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है, और इसका ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1937 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 1937 में। ठीक है, उसके बाद हमारा बेटा को नहीं लेंगे हम, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा गंगोत्री। ठीक है, तो गंगोत्री से आ गया हमारा नेशनल पार्क, और फ्लावर्स से हमारा आ गया फ्लावर्स वैली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और अलग नाम है, इसको बोलते हैं फूलों की घाटी। जैसे पूछ लेता कई बार एग्जामिनर की फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आपके कितने पांच बार किसमें आ गए, उत्तराखंड के राजा नंदा देवी का बेटा गंगोत्री वाले फ्लावर्स लेने गया। ठीक है, तो उत्तराखंड की बात हो रही है, तो राजा जी नेशनल पार्क आ गया। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क आ गया, उसके बाद आपका कहाँ से आ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और गंगोत्री से आपका क्या, गंगोत्री नेशनल पार्क, और फ्लावर से आपका फ्लावर्स वैली। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों अब हमने बात कर ली जम्मू हिमाचल उत्तराखंड की, अब आ जाते हैं हम हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन के लिखी हुई है, हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं, मतलब हरियाणा में आपको पता है कि हट्टे कट्टे लोग होते हैं, तो वो मतलब उनको क्या बोलते हैं, सुल्तान। ठीक है, और सुल्तान बोलते हैं तो वो कलाकार भी हैं, मतलब वो कला भी दिखाते हैं। तो ठीक है, इसे आपको याद रहेगा कि हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं। ठीक है, हरियाणा की बात हो रही है। ठीक है, तो हरियाणा में कौन से दो पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद कर लें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा कलेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं। तो ठीक है, हरियाणा में दो पार्क्स आ गए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और कल मैं बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो लेके आऊँगा। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मेरी आगे वाली वीडियोज़ को ध्यान से और अच्छे से देख सको और कुछ सीख सको। जय हिंद, जय भारत।